आज हम आपको दिखाएंगे कि गेहूं की पिसाई कैसे होती है। तो सबसे पहले चक्की में लाते हैं, उसके बाद तौलाते हैं, फिर उतारते हैं। यहां ऊपर गेहूं को इसमें डालते हैं, फिर गेहूं एक छोटे से छेद से चक्की के अंदर जाता है, फिर वहाँ से बोरे में काटा बन के इसके थैले के अंदर ऐसे चलता है। यहाँ मोटर लगा है, मोटर में पट्टा लगा देते हैं और इस पट्टे से चक्की को घुमाते हैं। इसी तरह से जब धान की कुटाई करनी होती है तो इस पट्टे को धान के मिल में लगा देते हैं। इधर से धान का भूसा निकलता है और इधर से चावल निकलता है। मोटर के सहारे घूम रहा है, उस पट्टे की आवाज़ में रिदम, उस रिदम को ध्यान से महसूस कीजिए। गेहूं पिसाई का कार्य अब संपन्न हो गया, पूरा आटा बन गया है बोरे में।